नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, विराट ज्योतिष चिंतन में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। लोग एकादशी व्रत रखते हैं और कुल 24 एकादशी होती हैं हर वर्ष, अधिमास में 26 हो जाती हैं। हम आज बात कर रहे हैं आज 12 जुलाई दिन शुक्रवार को पड़ने वाली एकादशी की। ये शुक्ल पक्ष चल रहा है आषाढ़ मास का, और आज की एकादशी जो है वह देवशयनी एकादशी है। सूर्य जब मिथुन राशि में होते हैं तब ये एकादशी पड़ती है, और इस देवशयनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बतलाया है। जैसा कि नाम से विदित है, श्री हरि आज से शयन में चले जाएंगे। इस दिन से चतुर्मासा शुरू होगा, यानी 4 माह तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करेंगे, और 4 माह बाद भगवान 8 नवंबर को जागेंगे। तब सूर्य होगा तुला राशि में, और वह तिथि जब भगवान जागेंगे कहलाएगी देवोत्थान एकादशी या देवठान एकादशी। तो ये जो 4 माह का अंतराल है मित्रों, श्री हरि के शयन में जाने और उठने के बीच का, ये कालखंड चतुर्मासा के रूप में साधना का कालखंड होगा। कोई मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाएंगे इस काल में। यज्ञोपवीत, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा सहित जितने भी प्रकार के शुभ कर्म हैं वे नहीं होंगे, इनका त्याग होगा। आधुनिक विज्ञान भी इस कालखंड को अच्छा नहीं मानता। विभिन्न प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जल की अधिकता और सूर्य की तेजस की अल्पता हो जाती है। इसलिए ये जो कालखंड होता है ये साधना का कालखंड होता है। इसमें हमें अपनी दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तन कर लेना चाहिए। इस कालखंड में भगवान की वंदना करें, साधना करें। ये चतुर्मास साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस तरह 12 जुलाई से 8 नवंबर 2019 तक जो चतुर्मासा रहने वाला है, इसमें आप नियम संयम रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें, भक्तिमय होकर जीवन जिएं ताकि आप स्वस्थ और खुशहाल रहें। ये कालखंड आध्यात्मिक जागरण का है, इसलिए इसका लाभ उठाएं। खान पान की जहां तक बात है, सादा भोजन करें, तेल चिकनाई आदि से बचें, दूध दही का सेवन न करें, चीनी की जगह गुड़ और शहद आदि लें तो बेहतर है। शाक भात का भी परहेज करें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मित्रों, 16 जुलाई को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, मैं इस पर भी बहुत जल्द आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार।